ज्यादा आगे मत घुसाओ इसको भाई, आवाज भाई एनआई पीटीआई दोनों नीचे रखो भाई। सभी का धन्यवाद। करा दिए जी आईडी की चलने करो आईडी नीचे कर भाई। ठीक है जी ठीक है। देखो जो यहाँ पे फैसला हुआ है, क्योंकि 24 घंटे से जाते यहाँ पे हो गए हैं हमको, जो यहाँ का सरकार और प्रशासन जो बातचीत कर रहा है वो एक किस्म सा भी बहकाने का काम कर रहा, वो बुलाता है बैठाता है और किसी डिसीजन पे नहीं लेकर जा रहा। हमको ये मोर्चा और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जहां पे हम बैठे हैं अभी तो पूरा चैनल के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हाईवे जाम कर दिए। हाईवे जाम बाद में हुआ है, पहले हमारा एमएसपी का सवाल है। आंदोलन एमएसपी से शुरू हुआ सूरजमुखी की, तो वहीं पे ही आंदोलन खत्म होगा। हमारे जितने लीडर बंद हैं उनकी रिहाई, और जो सूरजमुखी का एमएसपी है 6400 रुपए क्विंटल, उस पर सरकार बातचीत करें। हम बातचीत को तैयार हैं। एक साझा कमेटी यहाँ पे बनी हुई है, जो भी अब बातचीत होगी तो उसमें एसकेएम के लोग भी साथ में जाएंगे। यहाँ पे सभी लोग वो जहां जहां पे भी जिलों में बैठे हुए हैं वे तैयारी रखें कि कभी भी कुछ अगर घटना होती है तो यहाँ पे तुरंत मूव करें। ये मोर्चा पक्का लग रहा है, यहाँ पे आए यहाँ पे पक्के मोर्चे लगाए, क्योंकि अगर ये मोर्चा टूटता है तो ये एसकेएम टूटता है। ये सरकार का ये पहला मोर्चा है अभी सरकार के खिलाफ एमएसपी पे, तो इसको मजबूत करें सभी लोग। आप अपनी तैयारी रखेगा मुंह में, सब लोग यहाँ पे आए। अभी अगर बातचीत प्रशासन करना चाहता है तो हमारी पूरी साझी कमेटी वहां पर जाएगी, वो बातचीत करेगी। जो आप सुबह से बेवकूफ बना रहे हो इनको पठाते हो वहां पे और घुमाने का काम कर रहे हो इनको, चार चार छह छह घंटे वहां पे पठाते हो इनको, और आप हाईकोर्ट में डिसीजन जाते हो कि रास्ता खुल जाए। अब ये पूरी कमेटी फैसला लेगी इसका, और सभी लोग उस अपील है कि आप अपने क्षेत्र में जत्थेबंदी में कहें कि अपनी तैयारी रखें, यहाँ पे पक्के मोर्चे लगाओ, अपने ट्रैक्टर ट्रोल जाओ जैसे दूसरी जगह जाते थे, अपना पार्क नजदीक है इसमें बैठो, अपने मोर्चेबंदी के साथ में यहाँ पे डटे सब लोग। आपका सबका धन्यवाद।